कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के जीवन पर आधारित फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का नाम प्रकाश दुबे कानपुर वाला रखा गया है और गोल्डन बर्ड पिक्चर्स के बैनर तले इसका निर्माण हुआ है। फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है। इनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की तरह नजर आने वाले अभिनेता प्रमोद विक्रम सिंह इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, जिनका फिल्म में नाम प्रकाश दुबे रखा गया है। विकास दुबे के एक और साथी गैंगस्टर अमर दुबे को फिल्म में समर के नाम से दिखाया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ट्रेलर के अनुसार अमर दुबे और विकास दुबे की हत्या होती है, न कि दोनों कथित मुठभेड़ में मरते हैं। फिल्म को आकाश सिंह गहरवार ने निर्देशित किया है और इसमें विकास दुबे के कई ऐसे डायलॉग को शामिल किया गया है जिसे उसने कही थी, जैसे दंगल हाँक दिया, कोई लड़ने वाला हो तो बताओ पहलवान। इसके अलावा फिल्म में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कैरेक्टर भी दिखाया गया है, जो अधिकारियों से कहते दिख रहे हैं कि अपराधी कोई भी हो या तो प्रदेश छोड़ दे या स्वर्ग जाने को तैयार हो जाए। वहीं अखिलेश यादव के कैरेक्टर को ट्रेलर में ये कहते दिखाया गया है कि प्रकाश दुबे यानी विकास दुबे बेकसूर आदमी था जिसका ये इनकाउंटर करना गलत फैसला था। साथ ही उस पुलिसकर्मी के किरदार को भी दिखाया गया है जिसे विकास दुबे ने थप्पड़ मारा था। फिलहाल प्रकाश दुबे कानपुर वाला का ट्रेलर आने के बाद लोग बेसब्री से फिल्म का इंतजार कर रहे हैं।